तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज तो तीन चार दिन हो गए हैं आपके भाई का व्लॉग तो गाड़ियों में बन रहा है या लोकल बन रहा है या बाहर बन रहा है, पता नहीं क्या सीन है। पर छोड़े, आज हम एक दो जुगाड़ मारने लगे हैं, हाथ भी बढ़ गया। आज हम एक दो जुगाड़ मारने लगे हैं, आपको बताते हैं क्या। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। दोस्तों, ये पेट्रोल है, ये रेत और सीमेंट मिक्स हुई हुई, ये किसको क्या कहते हैं जी, थर्मोपोल। थर्मोपोल जो नरम होता है वो वाला लेना, हार्ड वाला नहीं लेना। पेट्रोल में डिजॉल्व करना है। स्मेल तो आपको आ रही होगी पेट्रोल। तो दोस्तों, ये ना, ये आपको बता दिया जाए कि इस्तेमाल किस लिए होता है। ये छत ना जो लीक कर रहे हो ना, जो अक्सर पुराने छत बने होते हैं ना जिन पर लेंटर वगैरह सही से नहीं होता, जो जिसको टी गार्डर वाला कहते हैं, तो उधर से अगर बारिश ज़्यादा हो ना तो छत ना अक्सर लीक करने लग पड़ते हैं। पंजाबी में हम कहते हैं चोन लग पाया। तो उसके लिए कोई बना रहे हैं भाई जान, पता नहीं अब क्या बना रहे हैं, देखते हैं। अगर करामद हुआ तो फिर आपको बताएँगे कि यार ऐसे करो, तो VIP सा सिस्टम हो जाता है, फिर आपके छत छत बिल्कुल ओके रहते हैं। मैं वीडियो बना रहा था ना तो मैंने देखा मेरे दांत बहुत गंदे हुए हैं, तो मैं साथ ब्रश ले आया। मैं कहा ब्रश भी ऊपर चल के जाकर हूँ, इसके लिए लेके आया हूँ। ये देखें, ये ले भाई जान, मैंने अपने ब्रश की कुर्बानी दे दिया आपके लिए। मेरा नहीं है, पुराना है, एक दो दिन। तो देखें जी, बबल गम बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ जी मिस्त्री साहब, ये खुश होएगी तो कुछ चलेगा काम। चलें जी, जैसे ही पूरा लग जाएगा ना फिर आपको बताएंगे। ठीक हो गया जी, अभी तो बबल बनी हुई है तो बड़ा टाइम लगाएगी, जैसे ही पूरा लग जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया, अल्लाह। तो दोस्तों, वो वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, अब हम सीमेंट ही लगा रहे हैं और मेरे ब्रश की कुर्बानी बच गई। दोस्तों, वो जो डिसॉल्विंग मटेरियल था ना, वो था पेट्रोल के अंदर हमने डाला हुआ था थर्मोपोल शीट। हाँ, तो वो जो शीट थी तो हमें पता नहीं, शायद हमने कोई स्टेप बीच में से मिस कर दिया या क्या चक्कर हुआ, वो काफ़ी ना थिक हो गई थी, बबल सी बन गई थी तो लग नहीं थी सही से। तो एक और जगह पे हमने लगा दी, खुश्क जगह ना, और जिधर लगा जिधर ज़रूरत थी ना लगाने की, वो जगह गीली थी और उधर रेत वगैरह भी थी, पर हमने एक खुश जगह पर लगाई तो उधर बड़ी फिट हो गई। अब मैंने देखना क्या आपने, तो पर ना, पर जो मैंने देखा था ना यूट्यूब के ऊपर, वो ना लिक्विड बन गया था डिजॉल्व जब उसने किया। अब उसने सही स्टेप नहीं बताई है हमसे, कि गलती है पता नहीं, तो देखते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। अभी तो 3 बज चुके हैं और ये सुबह को उठा के मुझे भेजने नाश्ता नहीं दे रहे, तो अब नाश्ता करते हैं और फिर आगे के मनाजर बताते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़। तो नाश्ते के बाद काम तो हो गया, अब हम प्लास्टिक डालने लगे हैं कि दोबारा से बारिश बुरिश हो लगे, सीन ना बनाइए, चेक करें दोबारा से कोई बारिश वाला सीन ना आए, इसलिए इसकी केयर करेंगे और इसके ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे, ऊपर इंटर रख देंगे कि उड़े वगैरह ना आंधी की वजह से। ठीक हो गया, अभी प्लास्टिक शास्टिक डालते हैं, फिर पार्क जाना है, पार्क का प्लान है, रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सारे काम तो होते रहेंगे, अभी पार्क का प्लान है, बच्चे आए हैं तो उनको पार्क लेके जाएंगे इधर ही, तो जल्दी से तैयार होते हैं, अंधेरा भी होने लगा बाहर, तो तैयार होते हैं और डायरेक्ट आपको पार्क में ही मिलेंगे। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। के व्लॉग में सबसे बड़ी बात कि हम जा रहे हैं जिप लाइन पर, चेक करते हैं जिप लाइन का क्या मज़ा आता है, अगर अच्छी हुई तो बताएँगे, वेरी गुड वैसे बनाएंगे ऊपर भी वीडियो, फ़ोन शून तो निकालेंगे, ऐसे तो नहीं जाना ऊपर कोई। इधर तो चढ़ते भी डर लग रहा है, वो डर लगती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चेक करेंगे।
थले बम्पर बाउंसिंग आया, जंप मारे थले। कुर्सी पाल लो जी, मैं तो गया। और ठीक ठाक है, काला बकरा तैयार हो रहा है लाल होने के लिए। छोटी डिस्टेंस भी पता होता तो हम कैलकुलेशन निकाल लेते कितनी स्पीड है। वही सुन, लता नहीं पवानी है तो मैं बेल्ट चेक कर रहा हूं भाई। तू रोटेट कर ली ना, पाला बकरा जा रहा जी, शहीद होने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हो गया जी, हो गया जी, हो गया। भैया आप भी खड़े हो? मैं खड़ा हो गया। आपको भी साथ ही लगा दी। चलो जी, ये साथ ही जा रहे हैं हम दोनों भाई, ठीक हो गया। ये चेक करें, माल भाई भी आ गए। वो हमारा सफ़र दूसरा पहुंच भी गया ना, पहुंच गया ना साथ जी। हाँ उतर भी गया जी। देख लेते हैं जी, हम दोनों की रेस लगने लगी है भाई। मात पहले पहुंचेंगे क्योंकि इनका वज़न नहीं है। इनका वज़न होता बहुत ज़्यादा। अच्छा फिर मैं जीत गया जी रेस। नहीं, उधर जाके खोलना नहीं है। पहले उन्होंने भेजो पाली। नहीं, पहले आप। अच्छा जी, राइड टांगे थोड़ी सी काम पे थोड़ी सी टांग रही हैं और मेरा रिंग जा गया कहीं पता नहीं। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, डर के आगे चीट है। लड्डू दड्डू। दोस्तों बस उधर ऊपर खड़े होने तक का डर था, जैसे ही हम नीचे उतरे ना तो मज़ा आने लगा। सिर्फ ऊपर खड़े होने का डर होता है, सिर्फ जैसे ही आप कूद जाते हैं ना मैदान में उसके बाद कोई डर नहीं होता। ठीक हो गया जी, अल्लाह। पार्क में बोलो ना, उसको आवाज़ नहीं जाएगी ना। बोलो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। किधर आ रहा है बताओ तो, कौन कौन सा झूला लिया है? ये वो तो लिया ही नहीं आपने। नहीं लेने, वो बड़ो वाला है ना, छोटो वाला नहीं है ना। पैसे दिए झूले के? पहले पैसे दो, फिर पैसे दो इधर, पैसे दो ना, पैसे दो इधर दो, ये थोड़े हैं सब, सारे दो। ए अब नहीं झूला लेके देना, ठीक हो गया।
ये था जी पार्क का ट्रिप। अभी हम जा रहे हैं कहीं खाने पीने, आगे की सिचुएशन आपको बताते हैं। उसके बाद ना हम गोल पार्क के बाद हम गोलगप्पे खाने चले गए, उधर मेरा कैमरा डेड हो गया, तो इस वजह से अभी हम आ रहे हैं। इस बच्चे को काटो, बाल छोड़ लिया ना इसको काटो, चल ले इसी स्पेशल आपके लिए मैंने लाइट ऑफ ऑन की, ये देखें चल। तो ये था जी आज का व्लॉग, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।